हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये हमें साड़ी में से प्लाजो बनाना है, तो इसकी हम कटिंग एंड स्टिचिंग आपको सिखाएंगे एक ही वीडियो में। फुल ट्यूटोरियल लेके आए हैं हम। तो ये हमने साड़ी में से 1.25 मीटर फैब्रिक लिया है प्लाजो बनाने के लिए। इस फैब्रिक को हम 2 फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो ये हमने 2 फोल्ड कर लिया है, अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। पहले ये हमने 4 फोल्ड कर लिया है अच्छे से। ये इसमें बॉर्डर दिया हुआ है नीचे के साइड, और नीचे हम कन्नी फोल्ड कर देंगे सिलाई करते समय। तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है इसमें। लंबाई का लंबाई है इसकी 35 इंच, तो हम 1 इंच ऊपर लेस कर देंगे इसमें से लास्टिक के लिए। तो हम 34 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 34 इंच आ रहा है। सेम इधर भी हम 34 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे, मिला लेंगे आपस में दोनों निशानों को। हिप है इसका 42 इंच, 42 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10.5 इंच। 10.5 इंच में हम 3.5 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 14 इंच। तो हम वेस्ट पे निशान इसका 14 इंच ले लेंगे। ये 14 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। क्रोच लेंथ भी हम 14 इंच ही रखेंगे, तो 1 इंच ऊपर को छोड़ते हुए यहाँ हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा करते हुए ये 14 इंच पे हमने निशान लगा लिया है क्रोच लेंथ का। और यहाँ हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। गोलाई कर देंगे हम इसमें अच्छे से। यहाँ हमें एक्स्ट्रा मार्जिन फैब्रिक चाहिए 3 इंच बैक पोर्शन के लिए, तो हम यहाँ 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और इस निशान को हम तिरछे में मैच कर लेंगे जो हमने 34 इंच लंबाई पे निशान लिया था। घेर है इसका 24 इंच, तो हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, तो ये हमने निशान मैच कर लिए हैं। अब ये हम सेब पट्टी से इसमें सेब दे देंगे। तो ये हमने निशान लगा लिए इसमें सेब पट्टी से। ये हमारे निशान लग चुके हैं। तो हम पहले फैब्रिक को कट कर लेंगे इसमें से। यहाँ हमें अच्छे से गोलाई देते हुए ही कट करना है। तो इसी तरह से हम पूरे प्लाजो को इसमें से कट करके निकाल लेंगे। तो ये हमारा प्लाजो कट चुका है। यहाँ हम बीच में कट लगा लेंगे साइड का। और ये हम 2 पोर्शन लेंगे प्लाजो के, जो हमें ये फ्रंट पोर्शन बनाना है तो हमें इसमें से कट करना है इसका एक्स्ट्रा मार्जिन। तो हम इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे पहले। और ये 2 साइड लिए हमने, और जो चौक का निशान लगाया था हमने पहले, तो इस फैब्रिक को हम इसमें से कट करके निकाल देंगे। जो 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था हमने फ्रंट पोर्शन में सिर्फ, और बैक पोर्शन का हमें नहीं कट करना है। इसे हम बिछा लेंगे पहले। तो ये देखिए हमने बिछा लिए हैं। ये हमारा फ्रंट पोर्शन है प्लाजो का, और ये बैक पोर्शन है। इसे हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और यहाँ के लिए हमें लास्टिक के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए अलग से पट्टी, तो हम 3 इंच चौड़ी पट्टी काट लेंगे लगभग पूरे वेस्ट में लगाने के लिए। तो ये प्लाजो हमारा कट हो चुका है। तो आइए हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। हम तो
तो ये प्लाजो हमने बिछा लिया है। ये प्लाजो को हम इस तरह से ओपन करेंगे, इसका फ्रंट पोर्शन ले लेंगे पहले और ये दूसरे पार्ट का भी हम फ्रंट पोर्शन ले लेंगे। इसमें हमें सिलाई लगानी है तो हम आधे इंच की दूरी से इसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमें गोलाई में सिलाई लगानी है इस तरह से। अब इसी तरह से हम इसका बैक पोर्शन लेंगे जो हमने एक्स्ट्रा रखा था 3 इंच, अब हम इसमें भी सिलाई लगा लेंगे सेम इसी तरह से। तो ये हमारे दोनों आसन में सिलाई लग चुकी है प्लाजो के। ये हमारा फ्रंट पोर्शन है, ये बैक पोर्शन है। तो अब हमें इसमें पट्टी लगानी है इलास्टिक के लिए जो हमने कट करके रख ली है। तो आइए अब हम इसमें पट्टी अटैच करते हैं। प्लाजो का हम एक साइड से इसमें पट्टी अटैच करेंगे। इस तरह से हमें आधे इंच की दूरी से ही पट्टी स्टिच करते जाना है पूरे में, पूरे वेस्ट में इसके। तो देखिए हमने पट्टी स्टिच कर ली है पूरे वेस्ट पे। अब हम इस पट्टी को बंद करेंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पहले हम उसे कट कर देंगे इसमें से। और इस पट्टी के जो दोनों मुंह हैं इन्हें हम इस तरह से बराबर करके रखेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे हम। तो इसका जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने एक साइड करते हुए ही सिलाई लगाई है, इसे हम कट करके निकाल देंगे इसमें से एक्स्ट्रा फैब्रिक को। और यहाँ हमें थोड़ा स्टिच करना है इसे अटैच करने के लिए तो हम यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने पट्टी अटैच कर ली है इसमें इलास्टिक के लिए। इसको हम सीधा कर लेंगे पहले, इलास्टिक अटैच करने के लिए। तो आइए हम वेस्ट के लिए इसमें इलास्टिक कट कर लेते हैं। पहले वेस्ट टाइम की 36 इंच, 36 में से हम 4 इंच कम करेंगे तो आएगा 31 इंच। ये हमने 31 इंच की इलास्टिक कट कर ली है। इस तरह से हम इसको बंद कर लेंगे पहले। यहाँ हम पक्की सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। ये वेस्ट के लिए हमने इलास्टिक तैयार कर ली है। अब हम प्लाजो लेंगे इस तरह से और प्लाजो का जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम ऊपर की तरफ ही रखेंगे। और इलास्टिक हम इसके ऊपर रखते हुए ऊपर के साइड फैब्रिक फोल्ड कर लेंगे इसी के ऊपर। जितना भी है एक्स्ट्रा अंदर की तरफ को हम उसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से और सिलाई लगा लेंगे हम इसी तरह से पूरे वेस्ट में फैब्रिक फोल्ड करते हुए अच्छे से।
अब यहाँ लास्ट टिक कम हो चुकी है, तो लास्ट टिक को हमें इसमें से थोड़ा खींच लेंगे हम जितना भी हमें चाहिए। अब सेम हमें सिलाई लगानी है इसी तरह से। अब ये इलास्टिक का एंड आ चुका है, तो इसका फैब्रिक हम अच्छे से फोल्ड करेंगे फिनिशिंग से, एकदम फैब्रिक को हम अच्छे से रखेंगे यहाँ पर और इसमें सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक हमारी बिल्कुल भी नहीं दबनी चाहिए। तो ये देखिए हमारी इलास्टिक अटैच हो चुकी है इसमें। और इलास्टिक को हम खींच लेंगे इस तरह से, दोनों आसन पकड़ के बराबर बराबर हो जाएगी ये दोनों तरफ। और प्लाजो के हम बिल्कुल इलास्टिक के बीच में सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, ताकि हमारी इलास्टिक घूमे ना। तो हम पूरे वेस्ट में हमने सिलाई लगा ली है ये। देखिए हमारी इलास्टिक अटैच हो चुकी है इसमें। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे पहले, और इसके हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है प्लाजो के। तो इस फैब्रिक को हम बराबर रखते हुए ही आधे इंच की दूरी से इसमें पूरे प्लाजो में सिलाई लगा लेंगे हम। अस्तर हमने इसमें नहीं लगाया है, क्योंकि कस्टमर को अस्तर नहीं चाहिए था इसमें। आसन इसके हम बराबर रखते हुए ही सिलाई लगाएंगे, आसन हमारे आगे पीछे नहीं होने चाहिए दोनों। आसन का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हम अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे, ताकि आसन में खिंचाव ना आए। प्लाजो में हम बाद में इंटरलॉक करानी है हमें। तो देखिए ये फिटिंग हो चुकी है इसकी, और ये जो इसकी कन्नी है, इसको हम अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए इसकी कन्नी पे सिलाई लगा लेंगे। किनार पर ही हमें बिल्कुल सिलाई लगानी है इसके। और पूरे घेर पे हम इसी तरह से सेम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारे घेर पे सिलाई लग चुकी है। सेम इसी तरह से हमें दूसरे घेर पे सिलाई लगानी है। तो देखिए प्लाजो के दोनों घेर हमारे तैयार हो चुके हैं एकदम फिनिशिंग से, और ये इसका फ्रंट पोर्शन भी हमने तैयार कर लिया है। ये फ्रंट पोर्शन है इसका, और वो बैक पोर्शन है एक्स्ट्रा जो है, इसमें जो है उठने बैठने में खिंचाव नहीं आता है बिल्कुल भी प्लाजो में, एकदम कंफर्टेबल रहता है। ये हमारे कटिंग एंड सिलाई की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।